गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर अमल कमीशन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था और उसका पीसी निकाला था, जय एंड हिंद कंपनी अमल गमिट हो रही थी और अमल गमिट होके वो लोग क्या कर रहे थे, एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रहे थे अमल गमेशन, राइट। और न्यू कंपनी अमल गमिट करके क्या कर रहे थे, जय हिंद कंपनी। तो जय हिंद कंपनी परचेस कंपनी थी और जय एंड हिंद कंपनी ये दो कंपनी वेंडर कंपनी की भूमिका निभाने जा रही थी। अब इसमें हमने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट पीसी। तो जय कंपनी को अभी लमसम मेथड थी, तो जय कंपनी को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनकी नेट एसेट के भरोसे और हिंद कंपनी को कम पैसे मिल रहे थे उनके नेट एसेट के कंपैरिजन में पीसी में। तो ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके थे। अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना फर्दर सेशन। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करनी है किसकी बुक में, क्लोजिंग एंट्रीज जय कंपनी यानी वेंडर कंपनी में। तो मैंने ऑलरेडी प्रोफार्मा आपको बना दिया है, तो आपने भी होपफुली प्रोफार्मा बना के ही एग्जाम्पल शुरू करना है। शुरू करें स्टूडेंट्स, चलिए। तो दो मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एंट्रीज जो करेंगे, अब वैसे तो ये अमल गमेशन एब्जॉर्प्शन में अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल अमल गमेशन में पहला एग्जाम्पल है तो इसलिए मैं यहाँ पे वेंडर की बुक भी पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं ना अपन ये, तो इसलिए पहले हम रफली यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाएंगे। इस पे मार्क्स नहीं आपका इसलिए मैंने एकदम रफली बनाया है, इसमें मैंने पर्टिकुलर अमाउंट तक नहीं लिखा देखो, क्योंकि इस पे मार्क्स ही नहीं है। ये जय कंपनी की लेजर है और यहाँ से ये पोस्टिंग से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये पोस्टिंग से हम क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे जो वेंडर की बुक में अपन एब्जॉर्प्शन में करते आए हैं। शुरू करें, चलिए। तो यहाँ पे कितने लेजर बनाए मैंने रफली, तुम बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो भी चलता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको अकाउंट पे मार्क्स नहीं है, आपको एंट्री पे सिर्फ मार्क्स है। ये मैं अकाउंट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाओ कि एंट्रीज कैसे बन रही है, क्लियर। चलिए शुरू करें, शेयर्स ऑफ जय हिंद कंपनी लिमिटेड, शुरू करें स्टूडेंट्स। चलिए, तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पीसी जैसे निकाल चुका हूं मैं, तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पीसी निकाला हुआ है, आपने देखा होगा, उसमें हमने दोनों का कैपिटल गुडविल ये भी हमको एंट्रीज में करना पड़ेगा, राइट। तो एंट्रीज में करने के लिए अपन को उसकी वर्किंग यहां पे सामने रखो और पिक्चर हम पीसी के तौर पे समझते, पीसी के तौर पे पूरी पिक्चर जो है अपन की। अब जैसे कि जय कंपनी की सारी एसेट्स और थर्ड पार्टी लायबिलिटी हुई है, तो फिर क्या करना है, सबसे पहला काम बैलेंस शीट खाली करो, याद करो, वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट सामने रखो, सबसे पहला काम बैलेंस शीट खाली करो। तो पहले एसेट्स खाली करते हैं। अब एसेट्स तो होपफुली एक ही है अपने पास, कौन सी, सन्ड्री। अब एसेट्स कहां लेके आओगे, रियलाइजेशन के डेबिट में, ये डेबिट साइड देखता है, क्रेडिट साइड है, तो यहां लेके आओ टू सन्ड्री एसेट्स, कितना है, 9 लाख रुपए। अब इसकी पोस्टिंग से एंट्री करनी है, मैं यहां पे पोस्टिंग कर रहा हूं, आपको पोस्टिंग की नीड नहीं है क्योंकि आपको मार्क्स इस पे नहीं है, लेकिन एंट्री कैसे बनती है वो यही इसी के माध्यम से मैं आपको दिखा सकता हूं, इसलिए क्लियर। अब बताओ हमने ये सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन की कौन से साइड में लिखी, डेबिट में, तो एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट होगा और अंदर वाले को क्रेडिट कर दो, तो एंट्री होगी बाय रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, ये एंट्री मारो, ये एंट्री पे मार्क्स है, नंबर वन दो बाय क्या आएगा, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, अब जहां एंट्री होती है वहां पे नरेशन भी होता है, तो एंट्री नरेशन आएगा being sundry assets transferred to realization account, clear। चलिए अब क्या होगा बोलो, narration बता दिया मैंने, हाँ है ना, being sundry assets transferred to realization account, narration में dictate करता हूं हमेशा, मैं लिखता कभी नहीं हूं, हाँ। अब दो मिनट आगे दो क्या होगा, अब यहां पे ये asset तो खाली हो गई, अब लायबिलिटी पूरी खाली करेंगे, अब लायबिलिटी में थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेके आओ रियलाइजेशन में, बाकी सारी फर्स्ट लायबिलिटी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी भेजो शेयरहोल्डर के पास। अब लायबिलिटी कोई भी रहे ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस, तो रियलाइजेशन के रेट में आएगी, पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटी भेज दूं,
अब थर्ड पार्टी लाइबिलिटी यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी बाहर का कर्जा कौन कौन सा है, सब एक ही था वो है करंट लाइबिलिटी, तो इसकी एक एंट्री होंगी। कितना अमाउंट है देखो, हाँ अब बताओ ये आपने रियलाइजेशन की कौन से साइड में लिखी, क्रेडिट साइड में ना, एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट होगा और अंदर वाले को डेबिट कर दो, तो एंट्री होंगी बाय करंट लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे किया समझा, पोस्टिंग से एंट्री कर रहे हैं, इसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं वेंडर की बुक में। ये जय कंपनी वेंडर है, वेंडर सभी को ये एंट्री समझ में आ रही है, एज इट इज एंट्री कर रहा हूं जैसे मैंने एब्जॉर्प्शन में कराया था। कहने को तो एब्जॉर्प्शन अमल कमीशन अलग अलग टॉपिक है, लेकिन दो आपको अगर एक टॉपिक आ गया तो दूसरा अपने आप आता, एब्जॉर्प्शन आएगा तो अमल कमीशन फ्री में आता, मैंने आपको फर्स्ट डे पर ही कहा था। अकाउंटिंग प्रोसेस देखो सेम है सेम। तो एंट्री क्या बनी, बाय करंट लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, अब क्या होगा बोलो, अब फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी सारी शेयर होल्डर के पास ले जाओ। अब तुम लोग लेजर बनाओ तो बनाओ, नहीं तो यहां पे आपको डिस्प्ले तो कह ही रहा हूं मैं कि पोस्टिंग से एंट्री कैसे होती है। अब देखो पेड अप कैपिटल है एक, और जनरल रिजर्व है, और पीएनएल अकाउंट है, ये कंबाइन एंट्री करते हैं। ये तीनों आएंगी शेयर होल्डर के क्रेडिट में, तो शेयर होल्डर अकाउंट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे रफली, ये इतना भाग डेबिट का इतना भाग क्रेडिट का, ठीक है, ये पार्टीशन है। अब मैं पर्टिकुलर अमाउंट क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इस पर मार्क्स नहीं है, फिजूल टाइम पास नहीं करना है। क्या नाम था उसमें, शेयर कैपिटल नाम था ना, पेड कैपिटल, हाँ लेकिन तुम शेयर कैपिटल ही लिखो कि पेडअप लिखो, शेयर कैपिटल लिखो तो बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो शेयर कैपिटल पेडअप ही होता है। कितना है, 5 लाख, और क्या है, जनरल रिजर्व। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पूछो क्यों, इसमें मार्क्स नहीं है, 5000 रुपये, और क्या है, पीएनएल अकाउंट 50000 है, हाँ ठीक है, बाय पीएनएल अकाउंट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है 15000, अच्छा 1,50,000 है, ठीक है। अब बताओ ये तीनों चीजें हमने शेयर होल्डर की कौन से साइड में लिखी, यानी एंट्री में शेयर होल्डर क्रेडिट होगा, अंदर तीनों वालों को डेबिट कर दो, तो एंट्री होंगी बाय शेयर कैपिटल बाय जनरल रिजर्व बाय पीएनएल टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये अभी हम बैलेंस शीट सब खाली कर रहे, क्या कर रहे, खाली, ओके बाय शेयर कैपिटल पांच लाख बाय जनरल रिजर्व है ना, कितना है, 50000, और क्या है, बाय पीएनएल अकाउंट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है 1.5 लाख है ना, और टू शेयर होल्डर अकाउंट, कितना, 7 लाख बीइंग फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट, या ओनर्स लायबिलिटी या इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी, इक्विटी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, फॉर्मल लैंग्वेज में इक्विटी लिखते हैं, इक्विटी, हाँ हो गया यहाँ पे क्लियर। अभी खाली हो गया अपना पूरा बैलेंस शीट, पूरा खाली हो गया, देखो हाँ आप पीसी ध्यान रखो, पीसी बस क्या क्या दे रहा है वो देखते हैं, अब बस सारी एडजस्टमेंट स्क्रेच हो ना है, बस अभी जो पीसी दे रहे हैं वो खत्म करो। अब बताओ परचेसर, परचेसर क्या क्या दे रहा है, शेयर दे रहा है, कैश दे रहा है, अब कैश बैंक में डालोगे क्या, अरे कैश के नाम से ले रहे हो कि बैंक के नाम से ले रहे हो, कैश के नाम से कर रहे हो, करो कैश के नाम से, चल दो तो फिर यहाँ पे मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, बैंक लिखा तो सर चलता, इसमें मार्क्स कटेगी नहीं, क्लियर। चलो अब इसकी एंट्री क्या होंगी, अब बताओ आप पहले एंट्री मारेंगे फिर पोस्टिंग होगी, हाँ अब बताओ परचेसर कंपनी को क्या क्या दे रहा है,
हमारी कंपनी को, हमारी यानी किसकी, जय कंपनी को शेयर दे रहा है 7,50,000 के और 50,000 रुपए के कैश दे रहा है, तो दोनों चीजें आ रही कि जा रही, तो आ रही, तो आ रही, तो डेबिट करो। और हु इज गिवर, परचेसर जैन कंपनी, तो एंट्री होंगी बाय शेयर्स ऑफ जैन कंपनी अकाउंट डेबिट बाय कैश अकाउंट डेबिट टू जैन कंपनी अकाउंट। अब कौन से रूल से मैंने किया, अब एडजस्टमेंट काली करते वक्त क्या करना है आपको, अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर एडजस्टमेंट कौन सी नहीं लेना, ये समझ में नहीं आ रहा हमको, तो तुम्हारे माइंड में ऐसा आएगा, आना भी चाहिए बाजी पे आना। तो क्या करना इसमें, इसमें बता रहा हूँ मैं क्या करना तुमको, तुमको कॉमन से लगाना है कि जय के साथ जो ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो जय के साथ होंगे और हिंद के साथ हुए होंगे हिंद के साथ होंगे। अब परचेसर ने एसेट लायबिलिटी उठा लिया तो पेमेंट तो करेगा ना वो, तो पेमेंट के तौर पे शेयर दे रहा है और कैश दे रहा है, सिंपल। अब यही हमने वेंडर की बुक सेम तो की थी, कहाँ पे अब्जॉर्प्शन में पीछे गए होंगे। तो देखो मैं फिर एक बार बोलता हूँ, एमलगमेशन तभी आएगा जब अब्जॉर्प्शन आएगा, एब्जॉर्प्शन पहले देखोगे, एब्जॉर्प्शन पहले समझोगे, फिर एमलगमेशन तुमको कोई समझने की जरूरत नहीं, वो अपने आप फ्लो में आते जाएगा। अब जो लोग यस्टरडे नहीं भी आए होंगे उनको थोड़ा बहुत अभी समझ रहा होगा। चलो तो एंट्री होंगी, अब एंट्री कंबाइन कर रहा हूं मैं, क्या एंट्री होंगी बोलो, बाय शेयर्स ऑफ जय हिंद कंपनी, ये एसेट आ रही है अपने पास इन कंपनी अकाउंट डेबिट 7,50,000 बाय क्या आएगा, कैश ऑफ जय हिंद कंपनी अकाउंट डेबिट 50,000 और टू, अरे कैश ही लिखना होता बस, उसमें जय हिंद नहीं आता, कैश किसी की पेटन थोड़ी ना होती, टू, अब गीवर कौन है, गीवर जय हिंद कंपनी अकाउंट। अब रूल कौन सा लगाया बुझो, रियल P2 यानी पर्सनल का, ये गीवर है ना, पर्सनल पर्सन बिकम अ गीवर, जय हिंद कंपनी बिकम अ गीवर, ये आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी बोल तो आर्टिफिशियल पर्सन 8,00,000। अब पोस्टिंग भी करेंगे क्योंकि मेरे को लास्ट में प्रॉफिट लॉस निकालना है इसलिए। अब बताओ यहाँ पे शेयर और कैश के डेबिट में, अब यहाँ पे शेयर के कैश के डेबिट में टू जय हिंद कंपनी अकाउंट 50,000 और शेयर के डेबिट में टू जय हिंद कंपनी अकाउंट 7,50,000 और जय हिंद कंपनी के क्रेडिट में डेबिट का नाम बाय शेयर बाय कैश और बाय शेयर्स। अब सर क्या लिख रहे हो, तो इस पे कोई मार्क्स नहीं है इसलिए मैं सिर्फ समझ जाए उतना दिखा रहा हूं बस। अब क्या होगा, अब बस अकाउंट क्लोज करो, हो गया ना, लिक्विडेशन एक्सपेंस है क्या, नहीं है ना, हाँ अब अकाउंट क्लोज करो। अकाउंट क्लोज करने के सबसे पहले ये कैश और शेयर्स वाले अकाउंट क्लोज होंगे, इनका बैलेंस जाएगा कहाँ पे, शोल्डर के पास, अरे शोल्डर के पास जाएगा ना। चलो पहले कैश का क्लोज करते, 1,00,000 दो लकी, कौन से साइड के अमाउंट बढ़िया लिखो, 50,000 है ना, उसमें से अपोजिट साइड माइनस करो डिफरेंस, यहाँ पे आएगा शेयर होल्डर अकाउंट और यहाँ पे 7,50,000 आएगा ना, 1,00,000 दो लकी खींचो, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही है, डेबिट की वो लिखा, उसमें से अपोजिट साइड के अमाउंट माइनस किया डिफरेंस 7,50,000, ये आएगा बाय शेयर होल्डर अकाउंट, शॉर्टकट लिख समझा ना, हाँ। अब ये दोनों, अब देखो ये कैश शेयर होल्डर अकाउंट हमने कहा लगा कैश और शेयर के शेयर्स के क्रेडिट में, तो शेयर होल्डर के डेबिट में इन्वर्स इफेक्ट, तो ये इन्वर्स इफेक्ट लेके आओ यहाँ पे, शेयर होल्डर के डेबिट में लेके आओ टू कैश अकाउंट 50,000 और टू शेयर्स ऑफ जय हिंद कंपनी। कुछ आ रहा समझ में, अब सर ये क्यों कर रहे हो, एक क्लोजिंग वोजिंग हमको क्या करना है इसका, तुम्हारे मन में ऐसा आएगा, लेकिन क्लोजिंग की एंट्री होती है, ट्रांसफर की एंट्री होंगी ना बेटा,
हाँ, अब यहाँ पे इस ये शेयर होल्डर के अकाउंट्स लेना कंबाइन बनेंगी फिर। अब बताओ ये दोनों हमने कैश और शेयर्स ये शेयर होल्डर की कौन से साइड में लिखा, तो एंट्री में शेयर होल्डर क्या होगा, डेबिट होगा। जिस लेजर के जो साइड में लिख रहे हो उस लेजर को वो बैलेंस होता है, अंदर वाले को अपोजिट साइड का बैलेंस दे देना। अब शेयर होल्डर की कौन से साइड में लिखा तुमने ये, डेबिट में, तो एंट्री में शेयर होल्डर डेबिट होगा और अंदर वाला क्रेडिट कर दो, तो एंट्री होगी बाय शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू शेयर्स ऑफ जे एन कंपनी। लिखो एक एंट्री होगी इसकी भी, ये एंट्री के लिए सर मैंने क्लोजिंग करवाया तुमको। किसका, फोर्थ वाले का, बीइंग, फोर्थ वाले का नरेशन लिख दो भाई पहले, बीइंग शेयर्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम परचेस कंपनी एज परचेस कंसिडरेशन। फोर्थ नंबर का नरेशन समझ में आया आपको बेटा? ओके, अब यहाँ पे देखो एक बात सुनो, डायरेक्ट कंपनी शेयर होल्डर को कैश वैश नहीं देती, वो लिक्विडेटर को देगी। लिक्विडेटर दे रहे हैं अभी, अभी वो देने की एंट्री कर रहे हैं, अभी हम ट्रांसफर की एंट्री क्या कर रहे हैं, अभी शेयर और कैश पे किसका हक है, मालक का, मालक का हक है ना, दिया, तो ये ट्रांसफर की एंट्री अभी जो मार रहे हैं पांचों नंबर की। तो क्या मारेंगे बताओ, बाय शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू शेयर्स ऑफ हाँ बोलो भाई, कैश कितना है 50 एंड बीइंग लिखो निरेशन बेटा, ये एक आधा जीरो ज्यादा हो गया क्या कि बराबर है, बराबर है, मेरी आंख तो शायद से थोड़ी कमजोर होगी लगता आज। बीइंग शेयर्स एंड कैश ट्रांसफर टू किसके पास भेजा, शेयरहोल्डर अकाउंट। ठीक है क्लियर? हाँ, ये एंट्री मैंने वेंडर की बुक्स में अब्जॉर्प्शन में भी करवाया हुआ है। और ये एंट्री कैसे बनी मैंने नीचे आपको रफली लेजर बना के दिखाया हुआ। देखो अभी इससे ज्यादा मैं क्या करूं बताओ, जो नहीं पूछा तुमको वो भी करवा रहा हूं मैं तो, क्योंकि तुमको मालूम पड़े कैसे एंट्री हो रही। अब सर पेपर में तो ना लिखा में चले करेंगे हम लोग, ये तो तुमको दिमाग में रखो ये बातें। अगर मैं होता आज मैं पेपर लिखता तो मैं तुमको लगता कि मैं लेजर ना था, मेरे को तो प्रॉफिट का आंकड़ा ही मालूम पड़ गया ना कितना है, प्रॉफिट ही आएगा रिलेशन में, वो भी कितना मालूम है, 1 लाख रुपए का। अगर मैं ऐसा इंसान करेगा ना तो मैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट का एंट्री में बिना रियलाइजेशन बना करता था मैं, उतना एक्सपर्टिज तुम्हारे अंदर नहीं है इसलिए मैं बनवा के दे रहा हूं, आते आते आ जाता है भाई। अब देखो सिंपल है, अगर 1 लाख रुपए परचेसर वेंडर कंपनी को गुडविल की दरा, यानी इन शॉर्ट 1 लाख रुपए परचेसर वेंडर यानी हमारे पास ज्यादा आया हुआ है, अभी हम जय कंपनी है ना, ऊपर से सिल्लक कोई खर्चा किया नहीं है, उससे मेरा प्रॉफिट कम होता है। जैसे सिल्लक खर्चा क्या होता है, डिबेंचर होल्डर प्रीमियम के पैसे लेके आता तो उससे मेरा प्रॉफिट कम होता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड होता उससे मेरा प्रॉफिट कम होता था, अगर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मैं पे करता था तो उससे मेरा प्रॉफिट कम होता था। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई एक्सपेंस इनकम है ही नहीं, इसलिए पेपर वाले तुमको ज्यादा कुछ पूछा है यहाँ पे, क्योंकि वो बिना रियलाइजेशन के भी तुम लोगों को ट्राई कर रहा कि तुम एंट्री से मार्क दिखाओ बस। तो अगर कोई दिमाग वाला होगा तो ये बिना लेजर्स के भी एंट्री मार्क कर सकता है और रिलेशन के बिना भी प्रॉफिट लॉस दिख रहता है, देखना 1 लाख प्रॉफिट आएगा। अब मेरे से इंसान जो करेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें तो नहीं हमको देखना पड़ता, हम लोग सिर्फ करते आते। हाँ बोल, नो नीड इट, नहीं है ये, सिर्फ मैं आपको लेजर्स जो है इसलिए करवा के दे रहा हूं ताकि एंट्री कैसे बन रही है वो करवा दूं, क्योंकि पहले एग्जाम्पल में अगर डायरेक्ट अमल कमीशन तुम कल को पढ़ोगे तो भैया कहाँ से आया, तुम्हारा दिमाग कैसे सर घूमेगा इसलिए। और फिर कैसे होता है, हम कमर्शियली अगर अमल कमीशन में अलग से कोर्स निकाला बेचने के लिए तो उसको कुछ समझना ही नहीं क्या हो रहा है,
तो इसलिए थोड़ा बहुत उनको भाई भनक देते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन में ये हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा बहुत चख लो, ऐसा होता है एंट्री, समझा? हमको भी कमर्शियली सब देखना पड़ता ना बेटा, ठीक है, क्लियर? चलो हाँ, अभी ये क्लोजिंग एंट्री हो गई। अब देखो दो लेजर तो क्लोज हो गए सिलक वाले, अभी परचेस का लेजर क्लोज करो और बैलेंस लेके जाओ, कहाँ पे रिलेशन में उसकी एंट्री होती। चलो एक लकीर, दो लकीर, ये परचेसर का लेजर खुला हुआ है ना, देखो ना, हाँ, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही, क्रेडिट साइड की अमाउंट दिख रही मेरे को, लिख ले फिर फटाफट, चल डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा, ये कहाँ भेजते अपन, तो रियलाइजेशन, अब जय हिंद के डेबिट में, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में अपोजिट नेम, इसे क्लोजिंग एंट्री मारनी पड़ेगी है बेटा, बाय जय हिंद कंपनी लिमिटेड, कितना 8 लाख रुपए। अब इसकी एंट्री मारनी पड़ेगी, अब बताओ इसकी एंट्री कहाँ से ले रहे हो, ये वाले लेजर से कि ऊपर के लेजर से, ऊपर के लेजर से, रियलाइजेशन से, क्योंकि बाकी लेजर बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन ये वर्किंग के तौर पर बना के आना अच्छे से। चलो अब बताओ ये जय हिंद कहाँ लिखा रियलाइजेशन के, तो एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, अंदर वाला डेबिट होगा, तो एंट्री होगी बाय जय हिंद कंपनी टू रियलाइजेशन। कशिश फास्ट हो रहा है क्या, स्पीड बराबर है, किसको लग रहा है क्या फास्ट, नहीं लग रहा ना, चलो बोल बेटा, मैंने पहले एग्जांपल में सिर्फ कंबाइन मारी थी अब्सॉर्प्शन में, फिर मैंने बताया था मत करना ऐसा, जो मैंने फिर नेक्स्ट एग्जांपल से एंट्री करवाई थी वो एंट्री करना याद करो बस, फिर चलो हाँ। अब इसकी इसकी पोस्टिंग से एंट्री होंगी, अब मोहित को समझ में आ रहा, क्यों नहीं आ रहा पूछ, अब्सॉर्प्शन देखा ही नहीं तो, वो खरीदने का भी टाइम नहीं अब्सॉर्प्शन का, वो अब्सॉर्प्शन देख के आएगा तो याद आएगा, सच सही सही में पूछ लो सबसे, है ना, मैं अपने कोर्स की मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन सही बात है ये, एब्जॉर्प्शन ले लो, ये फ्री में आता, यहाँ पे कुछ अलग से कुछ एफर्ट्स ही नहीं है, एक बात बताओ तुम सबको थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा, तुम ऑफलाइन तो सब एब्जॉर्प्शन घूम के आए हो ना, अरे एक बात बताओ डे वन से वेंडर की बुक में जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं अभी भी, तुमको प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ, प्रॉब्लम कौन सी एरिया में है एक्जेक्टली, सिमरन देखो एक बात सुनो, तुमको लगता होगा अगर मेरे पास जादू की छड़ी है तो नहीं है भैया, तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, हाँ क्या कम मिला, देखो बेटा एक बात सुनो, अभी मैं तुमको एक बात कर रहा हूँ रियलिटी में, कंपनी की बैलेंस शीट नहीं घूम के आते थे तो तुमको इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी में जज नहीं होता है। अब एग्जांपल जो मेरा ऑनलाइन कोर्स लेंगे बच्चे, अब उनको एक दिक्कत और भी जाएंगी इसमें, पूछो क्या कि सर आप तो फटाफट बोल रहे हो कि ये इंटरनल लायबिलिटी है एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बराबर कि नहीं, हमको तो ना पहचान नहीं आ रहा, तो फिर उनको मेरे को एक लिस्ट तैयार करके देनी पड़ेगी पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्मेट में एक लिस्ट तैयार कर देनी पड़ेगी, ये फर्स्ट पार्ट लाइब्रेरी ये है पूरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी ये है, तब जाके उनको समझेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको पीछे के टॉपिक हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हेल्प। और सभी का टॉपिक अभी चल ही रहा है, किसी की ट्यूशन क्लास बंद हुई ना हुई है अभी तक, सबकी चल रही है अभी, ये बात तुमको मैंने उल्टा एक सब्जेक्ट बढ़ा के दिया है, पहले मेरा मेरे यहाँ पे एमएस नहीं होता था, एमएस आप लोग तो अपने सीनियर से पूछ लो, मैं 3 सब्जेक्ट लेता था, कौन कौन से, ऑडिटिंग, ये ऑडिटिंग, कंपनी अकाउंटिंग और बीएम, ये तुमको मैंने एक सब्जेक्ट बढ़ा के दिया, ये सोचो कि एमएस होने के बाद भी 4 सब्जेक्ट तुम्हारे हो गए, ये तो पूछो इनकी सिस्टर पढ़ी ना मेरे पास, पूछना सर कितने पढ़ाते थे सब्जेक्ट, बोलेंगे 3 ही पढ़ाते थे हमको, तेरी सिस्टर से पूछना,
तो ये सोचो तुम्हारा फोर सब्जेक्ट्स हो गया, तुमको मैंने ये सब्जेक्ट एक बार एक्सटेंड किया और प्लस हमारा क्रैश कोर्स भी हो गया ऑलमोस्ट चालू है ना क्रैश कोर्स ऑडिटिंग का, जाओ ना बेनिफिट लो ना तुम भी, तुम्हारी रिवाइज होती है क्रैश कोर्स में, अभी ऑफलाइन क्रैश कोर्स चल रहा है ना हमारा ऑडिटिंग का, ये पहली बार हुआ है कि तब फास्ट हमारा हो भी गया और प्लस क्रैश कोर्स भी चालू हो गया हमारा ऑडिटिंग का। अभी गर्ल्स में मैंने अनाउंस नहीं किया था क्रैश कोर्स का ना, नहीं हुआ था ना शायद से, बॉयज सेक्टर में शायद से हुआ था, तुम्हारे इसमें किया था क्या अनाउंसमेंट? तो जाओ ना अगर रिवाइज करना तो कर सकते हो आप लोग क्रैश कोर्स में, आपके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है उसका ऑफलाइन स्टूडेंट्स। चलो उल्टा ये बार विनित हो रहा है, नहीं सभी को इतना टाइम मिल रहा है और अभी तुम्हारे हालत तुम तो भी परफॉर्म कर रहे हो, नहीं तो अपने कलीग से पूछो तुम लोग, उनके यहाँ पे नहीं बांधे होंगे तो बोलना मेरे को, तुम लोग अपने फ्रेंड से पूछो अमल कमीशन करते आ रहा क्या, हाँ बोला बोलना करके दिखा, क्या लोगे उसको, वो अपने आप तुमको दिखाएंगा क्या है एक्चुअली, उनको ये रियलाइजेशन की डेबिट में क्यों आ रहा है ये उनको नहीं सिखाते, जैसे एंट्री पूछना एंट्री तो बाकी ट्यूशन क्लास में डायरेक्ट एंट्री करवाते वाली, और ये कहाँ से आ रहा पता नहीं। चलो हो गया कि ये हाँ अभी वाली एंट्री डालो, अब बताओ ये हमने जय हिंद कंपनी रियलाइजेशन की कौन से साइड में लिखी क्रेडिट में, तो एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट करना अंदर वाले को डेबिट करना, तो एंट्री होगी बाय जय हिंद कंपनी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइज अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा 8 लाख, हो गया। चलो अब क्या होगा, अब रियलाइजेशन का अकाउंट क्लोज करो, 1 लाख प्रॉफिट आ रहा है, 1 लाख रुपए देखो 1 लाख की इधर खींचो, हाँ कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही है, क्रेडिट साइड बढ़िया रही है, प्रॉफिट है प्रॉफिट, पूछो क्यों, क्योंकि ऊपर गुडविल निकला हुआ है, अरे परचेसर जब 1 लाख रुपए था जरा वेंडर को तो हमको 1 लाख ज्यादा मिल रहा है ना, हम अभी वेंडर है ना, तो कितना रहा 10 लाख का, हाँ क्रेडिट साइड अमाउंट बढ़िया आ रही है लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की माइनस तो डिफरेंस यहां पे लिखोगे टू शेयर होल्डर अकाउंट। अब हाथों तो एंट्री मारो, पहले एंट्री मारो, अब ये यहीं से ले रहा मैं, अब बताओ रियलाइजेशन की कौन सी साइड में शोल्डर लिखा है, डेबिट में, तो एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट होगा और अंदर वाला क्रेडिट होगा, एंट्री होगी बाय रियलाइजेशन टू शेयर होल्डर। देखो इस ये वाले एग्जांपल 8 मार्क के आ सकते हैं, इसमें कितनी 7-8 तो एंट्री हुई, देखो 7 मार्क का 7 एंट्री हुई है ना, एक एक मार्क एक एक एंट्री पे और ऊपर वर्किंग पे एक आधी मार्क दे रहे हो, है ना 8 मार्क क्वेश्चन हो गया, तो इतना पूछ सकता है वो, अब इतना क्वेश्चन तो आ चाहिए तुमको, ये तो एंट्री होगी बाय रियलाइजेशन टू शेयर होल्डर, पोस्टिंग से एंट्री किया होपफुली समझ में आ गया होगा, अभी एंट्री क्या की है बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट। सात एंट्री भी गिन के ना, 8वीं भी एंट्री क्या, हाँ तुमने कैश और शेयर अलग अलग ट्रांसफर किया, हम कंबाइन करेंगे, चलता ना क्यों चलता, इतने में इतना ही मिलता बोलना उनको, बीइंग अमाउंट ऑफ पीसी ट्रांसफर टू बीइंग अमाउंट ऑफ पीसी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट अगेंस्ट परचेसर, कहां पे, ये 6 नंबर का नरेशन था वो, हाँ जो मैंने अभी बोला, हो गया। अब बताओ इसमें कोई डाउट तुमको, हाँ अब सुनो मेरी बात, देखो अब जय की कंपनी तो भैया बन गई, हमारा क्लोज भी हो गया, अच्छा हाथों तो शेयरहोल्डर के अकाउंट में डाल दो नहीं पैसे 1 लाख रुपए, यानी अपने मालूम पड़ता पैसे टैली हुआ कि नहीं हुआ, अब बताओ रियलाइजेशन के डेबिट में शेयरहोल्डर के क्रेडिट में, शेयरहोल्डर क्रेडिट में आएगा ना रियलाइजेशन अकाउंट, देखो शेयरहोल्डर अकाउंट टैली हुआ क्या,
कितने से हुआ? 8 लाख रुपए से शेयर अकाउंट टैली हुआ है। देखो शेयर होल्डर अकाउंट टैली हुआ है यानी एग्जांपल अपना राइट है पूरा, एक एक एंट्री राइट है अपनी, ये मालूम पड़ता है यहाँ पे। अब सुनो, अब दूसरा चीज पूछा है उसने कि सर इतनी चीजें एक साथ पूछेगा क्या? तो नहीं पूछेगा वो, कोई भी एक ही चीज पूछेगा, बराबर है। अब दूसरा आपने को पूछा है हिंद कंपनी में ओनली कौन सा अकाउंट बनाओ? हाँ, तो अब यहां पे लॉस आएगा क्योंकि हिंद कंपनी को नेट ये पीसी कम मिला हुआ है उसके नेट एसेट से। ये क्या अपन ने लिखा हुआ है ना, ये कौन सा सर है? हाँ नीचे ये रहा। तो अब देखो, अब तुमको सब कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। सुनो, अब यहां पे हिंद कंपनी का डायरेक्ट डायरेक्ट, अब मैं क्या बना रहा हूं, डायरेक्ट डायरेक्ट हिंद कंपनी का शेयर होल्डर कौन पूछ रहा है? 4 मार्क का आपको डायरेक्ट एक लेजर पूछेगा। अब क्या होगा बोलो बेटा? अब हिंद कंपनी की बुक में शेयर होल्डर बनाओ, शेयर होल्डर का अकाउंट सिर्फ, बस। तो देखो यहां पे, इन द बुक ऑफ हिंद कंपनी। अभी हिंद कंपनी कौन है ये आपकी मायती के लिए बता दूं, जानकारी के लिए, हिंद कंपनी दूसरा वेंडर है जो अपने आप को अमल गमेंट करके न्यू कंपनी में तब्दील कर रहा है। अब उसका उसने कौन सा पूछा ओनली? अब तुमको यहां पे विजुअलाइज करना पड़ेगा सब चीजें, उनकी बैलेंस शीट सामने रखो। ये डायरेक्ट डायरेक्ट 4 मार्क का आएगा, ऐसा सिर्फ एक बुक बनाओ, बस एक अकाउंट। देखो आपके कॉलेज के पेपर में आया भी होगा ऐसा कुछ। कर रहे ना बेटा, वही तो बता रहा हूं अभी। देखो टैली कैसे करता मैं अभी दिमाग से, सबसे पहले क्या करोगे बताओ? देखो सबसे पहले सुनो, सबसे पहले आपने अभी अभी एक रफली पहले वेंडर का शेयर होल्डर का अकाउंट देखा है? देखा है आपने? बस ये सामने रखो, सब कुछ एसेट्स पैसे सब वही लेने हैं बस। देखो कैसे, देखो ध्यान दो, पर्टिकुलर अमाउंट सब अमाउंट चेंज है उसके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट करते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी, सारी लायबिलिटी, ये पहले एसेट्स है जो एसेट साइड। अब देखो कोई एसेट्स फिक्टिशियस है क्या? तो है, ये पीएनएल अकाउंट जो है ये फिक्टिशियस एसेट है क्योंकि ये लॉस है करंट ईयर का, ये एसेट नहीं होती एक्चुअली, ये करंट ईयर का लॉस है, बिजनेस को लॉस हुआ है करंट ईयर का, तो ये लेके आओ। अब एसेट कोई भी रहे, लॉस ऑलवेज है, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, लॉस बोलो या एसेट बोलो, ऑलवेज है कौन सा बैलेंस? तो ये शेयर होल्डर झेलता है, कौन झेलता है? ये परचेसर लेता नहीं है। तो वेंडर कंपनी की बुक में जब अकाउंटिंग होगी यानी हिंद कंपनी में, तो ये शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में लेके आओ, टू पीएनएल अकाउंट के नाम से। बैलेंस शीट सामने रखो, बैलेंस शीट ना कितना है? 1,20,000। हाँ, अब लायबिलिटी में देखो कौन कौन सी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है, दो ही होंगी मेरे ख्याल से फिर, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा करंट। तो करंट तो लेंगे नहीं क्योंकि करंट जाता है कहाँ पे? रिलेशन में। लेकिन पेड अप कैपिटल कहाँ जाता है? शोल्डर के क्रेडिट साइड में, तो लेके आओ क्रेडिट साइड में। ऐसे दिमाग में रखना है, ध्यान दो, समझो, सब ईजी है। तो यहां लिखो बाय शेयर कैपिटल, ये क्यों आ रहा समझ में आ रहा? जैसे हम बैलेंस शीट खाली करते हैं कशिश, वही काम कर रहे हैं यहाँ पे भी, सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट दे रहे, क्या दे रहे? सारे लेजर नहीं बनाते हुए, हमको सिर्फ एक लेजर की पोस्टिंग पूछिए बस। कितना है पेटअप? 4 लाख। हाँ, अब देखो सुनो, अब एक परचेस कंपनी यानी जय हिंद कंपनी याद करो, जय हिंद कंपनी फिर से बोल रहा हूं, जय हिंद कंपनी को क्या कह दे रहा है? शेयर्स दे रहा है 2.5 लाख के और कैश दे रहा है 50 के, ऐसी कुछ भी है ना, 2 लाख के शेयर्स और 50,000 कैश। तो बताओ ये दुकान में आ रहा है तो एंट्री होंगी बाय शेयर और बाय कैश टू जय हिंद कंपनी। फिर वो अपन क्लोजिंग बैलेंस करते याद करो, जैसे अभी देखो मैं रफली यहाँ पे दो लेजर बना रहा हूँ ताकि तुमको समझ जाए, तुम पेपर में नहीं कर क्या ना सर कैसे करने कहेंगे,
इसकी मैंने समझने लगा तो करके आओ, कौन सा फर्क पड़ता है, वर्किंग के तौर पे दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अब बताओ यहाँ पे ये कैश अकाउंट है, ये शेयर्स अकाउंट है, शेयर्स ऑफ जेहन कंपनी। अब देखो सुनो, अब इसमें परचेसर क्या क्या दे रहा, शेयर्स दे रहा और कैश, तो दुकान में क्या आ रहा, शेयर आ रहा, कैश आ रहा, तो एंट्री होगी बाय शेयर बाय कैश टू जेहन कंपनी, तो शेयर के डेबिट में अपोजिट नेम टू जेहन कंपनी। 2 लाख के शेयर दे रहा और जेहन कैश के डेबिट में अपोजिट नेम टू जेहन कंपनी 50,000 कैश। अब मैं ये क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि इस पे मार्क्स नहीं है। अब इसकी इसकी पोस्टिंग शोल्डर में नहीं आएंगी, लेकिन ये जब क्लोज करके लेके आएंगे बैलेंस, उसकी तो पोस्टिंग आएंगी ना, तो वो बैलेंस घुमा के लेके जाओ, क्योंकि ये पैसा वैसा कहां जाता है पूरा। मैं ये रफली क्यों बना रहा हूं, तुम सुधा क्या। हाँ अब यहां पे जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही वो एक लकीर, तो लकीर के अंदर लिखो उसमें से अपोजिट साइड माइनस, तो डिफरेंस कितना आ रहा, पक्का ये कहां जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट चलेगा ना, शॉर्टकट लिखा तो। अब ये बताओ कहां आएगा, कैश के क्रेडिट में, तो शेयर होल्डर के डेबिट में अपोजिट नेम टू कैश अकाउंट। कौन से अकाउंट से पोस्टिंग आ रही है, लेजर वो कर रहे हैं, लेजर से पोस्टिंग क्रॉस इफेक्ट करना पड़ता है, मालूम है ना, ये काम की चीजें, इसलिए रफली नहीं फेयरली किया, क्या किया, क्योंकि इस पे मार्क्स से भला शेयर होल्डर अकाउंट में। हाँ प्रीति समझा क्या, फास्ट हो रहा है नहीं। अब दूसरा शेयर बंद करो, अब शेयर का बैलेंस भी कहां लेके जाओगे, मालक के पास। तो ये 2 लाख रुपए शेयर होल्डर के नाम से लिखूंगी, इधर देखो यहाँ पे बाय शेयर होल्डर अकाउंट, इजी है कि हार्ड है, अरे सिंपल, बोलो बोलो। हाँ एक मिनट, कर रहे शांत रुको। हाँ अब इसका क्रॉस इफेक्ट करो, अब बताओ शेयर के क्रेडिट में, शेयर के तो शेयर होल्डर के डेबिट में, अभी क्रॉस इफेक्ट पोस्टिंग, 2 इफेक्ट की पोस्टिंग करे ना। अब बताओ कौन से साइड से पोस्ट, कौन से लेजर से पोस्टिंग आ रही, वो शेयर्स से, शेयर्स ऑफ कौन सी कंपनी, ये आ गया पीसी का प्राइस, इधर आ गया इनको मिल गया, ये आ गया पीसी का प्राइस इनको मिल गया। हाँ अब तुमको दिमाग चलाओ चलाओ, नहीं चलाओ तो नहीं चलाओ, पूछो क्यों। अब बताओ शेयर होल्डर अकाउंट टैली होता है, तो बस 1,02,000 खींचना, जो डिफरेंस आया वो रिलेशन नाम से डाल देना, जो डिफरेंस आया वो रिलेशन के नाम से डालना, ये होगा आम जिंदगी। अरे सिंपल है, शेयर होल्डर अकाउंट टैली होता कि नहीं होता। हाँ तो यहाँ पे देखो जो साइड की अमाउंट बढ़िया रही वो लिखो, अपोजिट साइड माइनस करो, डिफरेंस जो आएगा वो रिलेशन के नाम से है ना, प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा तुमको, क्या मिल जाएगा तुमको, प्रॉफिट एंड, अगर दिमाग वहां पे चला नहीं तो, दिमाग वहां पे चला नहीं तो, दिमाग वहां पे चला नहीं तो, मैं 3 बार बोला। हाँ लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट पर्सन होगा तो उसको प्रॉफिट लॉस पहले ही पता है, ये रहा 30,000 लॉस में हम, और लॉस में तो इसका ओवरऑल इफेक्ट मालक के अकाउंट में जाता है। अब लॉस ऑलवेज है तो यहां पे रिलेशन डेबिट में आएगा पक्का, यानी क्रेडिट साइड बढ़िया होंगी देखो उसकी। हाँ और वो भी 30,000 से आया होगा पक्का, वो भी आप देखो 30,000 से आया होगा पक्का, तो 30,000 रुपए कैपिटल गेन हुआ है परचेसर को, इसका मतलब क्या है, वेंडर को क्या हुआ है, लॉस, तो ये लॉस जो है ना यहाँ पे। अब लॉस ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कौन सा रूल बोलते हैं, नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम से, तो यहां पे लॉसेस कहां से आता है। अब आप देखो 30,000 रुपए डेबिट साइड कमी भर रही होंगी आपकी, देख लो लगे तो तुम देख लो शूट में, मुझे नहीं देखना है, तुम देखो। अरे कैपिटल गेन वो परचेसर का हुआ है ना, वो जो ऊपर वर्किंग किया वो परचेसर के हिसाब से थी ना, अरे परचेसर का कैपिटल गेन हुआ है, इसका मतलब है कि मैं अपना मुंह काला करके आया हूं, मैं अभी कौन हूं, वेंडर हूं, भी वेंडर, वो भी कौन सा, हिंद कंपनी,
अरे ऊपर देखो, ये जो वर्किंग किया आपने गुडविल और ये वाली गुडविल और ये वाली कैपिटल गेन की एंट्री किसके लिए थी? ये परचेसर के बिहाफ में थी। अब परचेसर बोलता कि मेरा 30,000 का हिंद कंपनी में लेते थे, फायदा हो गया, तो इसी का मतलब क्या हुआ, मैं कलम करके आया हूँ अपना, मैं कौन हूँ अभी, हिंद कंपनी का अकाउंटेंट, तो हमारी कंपनी का अलम हो गया, यानी अपना लॉस हुआ है। लॉस ऑलवेज है और कौन सा बैलेंस, तो डेबिट साइड में लिखो रिलेशन। अब देखो टैली हुआ कि नहीं, 4,00,000 से 4 मार्क टाइट। अब सर ये वाला गणित को समझा नहीं हमको, ऐसा तुम्हारे माइंड में आया होगा तो तुमको कुछ दिमाग चलाना नहीं है। देखो क्या करना है, ये सारी पोस्टिंग आ गई ना, हाँ कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया आ रही बताओ, जो एक लकीर दो लकीर खींचना, जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर दो लकीर अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट लो, यहाँ पे क्रेडिट साइड अमाउंट बड़ी आ रही है वो लिखा, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस अमाउंट कितना आया देखो, 30,000 का डिफरेंस आ रहा है 30,000 का, ये 30,000 रुपये डिफरेंस अमाउंट लिखा हमने, क्या नाम से, बचा हुआ बैलेंस रियलाइजेशन के नाम से लिख के आना बस। और ये क्या है, अब डेबिट में रिलेशन है तो लॉस आएगा, बिकॉज लॉस ऑलवेज है, और अगर यही डेबिट से बढ़िया तो क्रेडिट में आएगा रिलेशन, तो फिर प्रॉफिट आएगा। मतलब तुमको वहां दिमाग चलाना नहीं है, समझा क्लियर। अब अगर यही एक एग्जांपल दे रहा हूं ट्विस्ट कहानी में, ट्विस्ट क्या आएगा सुन लो, पेपर में कुछ भी रहता है लेकिन सुन लो पूरा, तुम वहां पे दिमाग थोड़ा एक्टिव ना चलाना, बता रहा क्लियर में। पहले 3 एग्जांपल कर देना सॉल्व, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, चौथा पांचवा आराम से करना पद्धति, समझा। 4 मार्क वाली जर्नी में चौथा पांचवा क्वेश्चन इजी मिलेगा, 8 मार्क वाली जर्नी में चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन दोनों में से एक इजी आएगा एक हार्ड आएगा, पहचाना तुमको है। और शुरू में तो जाना पीसी पढ़ गई ऊपर पर से, पूरी बैलेंस शीट पूरी पढ़ना, जब तक माइंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक कि उसको हाथ लगाना नहीं, समझा आपको क्लियर। अब एक और बात सुनो अब इसकी जगह अगर यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे तुमको शेयर होल्डर अकाउंट कुछ होता था हिंद कंपनी में, और यहाँ नीचे लिखा होता था द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रुपीज 5,000 इज बॉर्न बाय हिंद कंपनी, तो फिर एक काम करना, क्या करना सुनो, एक तो फिर 5,000 रुपए से कैश कम होती थी, तो यहाँ पे कैश आएगा 45। अब सर ये कैसे लिख रहे हो 45, देखो 50,000 आएंगे यहाँ पे, फिर 5,000 रुपए की आप एक्सपेंस एंट्री पे करते थे बाय रियलाइजेशन टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में अपोजिट नेम बाय रियलाइजेशन आता था 5,000 रुपए 5K, और बैलेंस आता था 45K, और 45K बैलेंस आप यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, बराबर कि नहीं, और उतना लॉस फिर तुम्हारा ज्यादा बढ़ जाता था। फिर यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता था करीना, इस कंडीशन में तुम बोलोगे सर नीचे ऊपर तो यहाँ पे 30,000 लॉस दिख रहा लेकिन डिफरेंस आया था 35 का, तो डिफरेंस 35 का है ना, पूछो क्यों क्योंकि एक सिल्लक खर्चा अपन ने पेड़ किया जिसकी वजह से अब एक्सपेंस अगर बढ़ गया तो मेरा लॉस बढ़ता कि कम होता, बढ़ता ना, तो इसलिए देखो यहाँ पे रिलेशन में फिर 35,000 से बैलेंस आएगा। ये तुमको ऑन दी स्पॉट वहां पर दिमाग से आना है, जरूरी नहीं कि तुम्हारा कैपिटल गेन ही ये आएगा, तुमको क्या करना है, तुमको जब शेयर होल्डर अकाउंट बनाओगे ना तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको यहाँ पे एक लकीर दो लकीर क्या ना, जो साइड की अमाउंट बढ़िया लिखना, उसमें अपोजिट साइड में आया ना, जो डिफरेंस आया जो भी डिफरेंस आया तुमको दिमाग से आना नहीं, तुमको लिखना है रिलेशन ना, तुमको लिखना है रिलेशन के नाम से बस बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस वो डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, तुमको वहां पे दिमाग चलाना नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कैपिटल गेन उसका उतना हुआ है उतना ही मेरा लॉस होगा, कभी कभार रिकाम में चले खर्चे मैं करता हूं तो उसमें मेरा लॉस और सॉरी तो मैंने अभी तो क्या बताया, फिर हो सकता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की वजह से लॉस बढ़ जाए, तो मैंने अभी तो आपको यही बताया, याद करो 5,000 से नोटा कम की ना। अब लेकिन ये एग्जाम्पल में सब कुछ नहीं है,
तो डोंट वरी, और पेपर वाला इतनी इतनी हार्ड लेवल देगा ही नहीं, जितना कैपिटल गिनाता है ना प्रोबेबली वो एग्जाम्पल में भी वही देगा, क्योंकि उसको भी समझता कि बिना वर्किंग के इतने बिना लेजर के हम सब शेयर लॉगर बना रहे तो उसमें उतना तकलीफ जाएगी ना उसको बनाने में, उसको भी समझता बेटा वो भी इंसान ही है बनाने वाला, तुमको क्या लग रहा? हाँ ये क्या बनाया ना अपन ने, ये ट्रांसफर की एंट्री किया अपन ने, एंट्री में इसकी एंट्री की हुई है ना बेटा, ये क्या है जब जेएन कंपनी दे रहा है तभी एंट्री किया, और जब जेएन कंपनी का पीसी का ट्रांसफर हुआ ये तभी एंट्री किया अपन ने, रियलाइजेशन में ये क्या लेके आए ना, ये क्या लेके आए ना अपन बेटा, ये रहा क्वेश्चन क्या था समझा क्या उसका, क्वेश्चन ये था कि सर जब वेंडर की बुक में जय हिंद कंपनी ने परचेसर का लेजर बनेगा उसने पेमेंट वेमेंट कर दी तो उसका जो बैलेंस बनेगा वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ऐसा वो क्वेश्चन आया हुआ है, तो अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये देखो ये रहा, और इसकी भी एंट्री की ना अपन, ये क्या है छठवें नंबर की एंट्री जो साक्षी ने मेरे को नरेशन पूछा, अनुराधा ने पूछा, ठीक है विनित और कोई डाउट्स है, कंफ्यूज मत हो रहे दो, नो नो चलो अभी नहीं कर सकता मैं, ट्यूशन की बात पूछना बेटा मैं नहीं कर सकता हूँ ऑफिशियली क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों को, तो मैंने बताया ना, लेकिन बार बार हम उस चीज़ पे करेंगे तो वो फोकस फिर डिस्ट्रैक्शन करता है, क्लियर? चलो हो गया यहाँ तक क्लियर, अब काम यही कमाम तमाम नहीं हुआ है, न्यू बैलेंस शीट कंपनी की अमल गवर्नमेंट के बाद गठबंधन की सरकार के बाद अब नया सरकार क्या लाएगा बनाओ, चलो न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बिल्कुल इजी होती है, सबसे इजी, देखो एक बात सुनो, तुमको जो मैं पहले शुरुआती एग्जाम्पल कर रहा हूँ ना सबसे भारी एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं आपको, इजी वाले नहीं पूछो क्यों, क्योंकि इजी वाले कर रहा हूँ फिर भारी कर रहा हूँ फिर समझा ही नहीं, मतलब नहीं अभी तुम भारी का क्या है ना, जब तुम इजी करोगे ना तुमको मजा आएगा कि यार ये क्या है ये पांच चार ऐसे क्वेश्चन, और पेपर में भी तुमको फिर ऐसा कुछ शॉकिंग नहीं मिलेगा, ठीक है इसलिए चलो। हाँ बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन, तो लिखो फिर बैलेंस शीट किसकी, ऑफ जय हिंद कंपनी, चलो अब यहां लिखो आफ्टर अमल कमीशन, ब्रैकेट में को आफ्टर अमल कमीशन लिखना एज ऑन, चार मार्क की अलग से आपको उससे बैलेंस शीट आएगी, बिना पीसी के बिना वर्किंग के भी आप बैलेंस शीट कर सकते हो, ओके देखो एक बात सुनो, अगर तुमको लगता है कि टॉपिक हार्ड है तो सब तुम्हारे वांदे नहीं है, तुम्हारे सबके वांदे, सही कि नहीं, अरे सबके वांदे है ना, आप अपने भाई बहनों से पूछो जो अदर क्वेश्चन पढ़ते हैं वो बोलते हैं यार ये टॉपिक थोड़ा सिलेबस की अलग ही है,
अभी देखो इंटर का कोर्स का आपको टॉपिक दे रहे हैं तो भारी होगा ना, ये आपको सीए इंटर में है, हाँ अमल कमीशन एब्जॉर्प्शन दोनों में ना, उसमें थोड़ा लेवल और टफ होती होंगी, बट ये भी अच्छी लेवल दिया उन्होंने काफी, नो डाउट। चलो शुरू करूं? हाँ आप क्या करना है सुनो, सिंपल है सिंपल, कुछ नहीं करना, सुनो कौन सी एसिड परचेज उठा रहा, तो मेरे ख्याल से एक ही एसिड उठा रहा सिर्फ, एक ही एसिड बस लेके आओ, फिर सन्ड्री एसिड्स। अब बताओ जय से कितना उठा रहा, हाँ 9 लाख का, और हिंद से 3,80,000, हाँ कितना हो गया 12,80,000, 12,80,000। एक मिनट ध्यान दो, समझो सब समझो, कुछ चीजें ट्विस्ट में है इधर, चली नहीं होगा वो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, हाँ थोड़ा कुछ चीज समझो, हाँ नहीं होगा ना बेटा, मेरे को मालूम है ना तुम कहाँ मिस्टेक करते हो, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा कुछ समझो, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इधर, अब ड्यूरिंग द परचेस ऑफ बिजनेस ऑफ जय कंपनी एक न्यू एसेट्स क्रिएट की गई 1,00,000 रुपए की गुडविल। देखो अरे 1,00,000 रुपए अगर वेंडर कंपनी को जय कंपनी को ज्यादा दिया होगा तो वो गुडविल नई एसेट क्रिएट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि एक लाख रुपए से लायबिलिटी वेंडर कंपनी को ज्यादा दिया होगा अपन ने, फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी शेयर कैपिटल, तो उतना अपने को एक लाख रुपए से न्यू गुडविल देखो वर्किंग में दिया हुआ है ना, तो गुडविल आएगा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे गुडविल जो है, गुडविल सुनो, अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक साथ नहीं दिखा सकते, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, हाँ माइनस करके डायरेक्ट 70 दिखा दो, ये नया तुम्हारा अकाउंट बोलता है, मैं तो करा था भैया लेकिन अभी नए नए सोच लिया है, फिर से बोलूं एक बार, फिर से बोलता हूँ तुम्हारे लिए, देखो फिर से एक बार तुम्हारे लिए सर, अगर तुम्हारे एग्जाम्पल में एक कंपनी से गुडविल आ रहा और एक कंपनी से कैपिटल रिजर्व आ रहा तो अलग अलग दिखा सकते क्या, तो मेरे ख्याल से नहीं दिखा सकते, फिर भी मैं एक बार पुख्ता कर दूंगा, लेकिन आज अपन नहीं दिखा रहे। जैसे कैसे, देखो जय कंपनी से 1,00,000 रुपए गुडविल आ रही है, जय कंपनी की परचेस करने के दौरान अपन 1,00,000 रुपए सिलक दे रहे हैं गुडविल के, लेकिन वही अपने को 30,000 रुपए हिंद कंपनी में फायदा हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व में लायबिलिटी में लिखूं 30,000 और फिर 1,00,000 रुपए गुडविल दिखाऊं, तो बेटर ऑप्शन क्या है, जो काट छाट के जो ज्यादा बच रहा वो दिखाना है। अब बताओ काट छाट के गुडविल ज्यादा बच रही है कि कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल गेन 30,000 रुपए और गुडविल है 1,00,000 रुपए, बराबर कि नहीं, तो यहाँ पे गुडविल 1,00,000 रुपए में से इसको 30,000 रुपए माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा 70,000 रुपए, यानी क्या होगा सिर्फ एक्सेस अमाउंट 70,000 रुपए एसेट आई बस, नहीं ये हो गया दूसरा ट्विस्ट कहानी में, ठीक है। अब तीसरा ट्विस्ट कहानी में ये है इसके अंदर कि यहाँ पे सिलक शेयर इशू किए गए हैं जो तुम भूल चुके हो, जहां से कैश पैदा हुई जिसकी वजह से हमने कैश दिया सामने वाले को, सामने वाले को ना कोई जय को भी दिया ये ले और हिंदी को भी दिया ये ले ऐश कर, क्योंकि कैश थी कहाँ बेटा दोनों कंपनियों के पास, और परचेसर कुछ नया तो ना था, परचेसर तो बेचारा अभी बना, परचेसर ऑलरेडी था कहाँ एक्सन में, अरे अमल कमीशन में जो परचेसर कंपनी होती है यानी न्यू कंपनी वो पहले कहाँ होती है एक्सन में, यही एक दूसरे के देते ना, तो यहाँ पे आप सुनो आप इन दिया तो इन्होंने अपने आपको ही दिया होगा ना ऐसा भाई मर्ज करने के लिए, बराबर कि नहीं, तो कैश थी कहाँ उनके बैलेंस में, देखो क्वेश्चन में कहाँ है बताओ मेरे को कैश, लेकिन इसीलिए तो फिर उनको देने के लिए सिलक शेयर निकाले गए ना, ये 50,000 पब्लिक शेयर नहीं है क्या, तो इसकी एंट्री क्या होंगी, मैं एंट्री अप्लाई कर रहा हूँ, एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आ रही टू शेयर कैपिटल, पचास हजार शेयर्स पब्लिक को निकाले गए हैं, नीचे क्वेश्चन में स्पष्ट स्पष्ट दिया हुआ है, आप अगर पढ़ोगे तो कितने का है, 5,00,000 रुपए आए थे, 5,00,000 रुपए से लायबिलिटी एक्सटर्नल चढ़ेगी
और 5 लाख रुपए की कैश भी आती थी। नहीं आएंगे लेकिन पूछो क्यों। 50-50 बांटा किया ना। देखो देखो, जय को 50 दिए, हिंद को भी दिए। दिए कि नहीं दिए बताओ। देखो तुम मेरी शक्ल ऐसे मत देखो, मैंने नहीं बनाया टॉपिक, मैं सिर्फ तुमको डिलीवर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? और डिलीवर तो भाई ऐसे ही करेंगे समझा के, और करूंगा मैं इससे इजी। क्या सुनाऊँ बताओ मैं तुमको, कुछ और है क्या बताओ? तुम टेक्निक बताओ, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो हुआ है कि नहीं हुआ है। 5 लाख रुपए इधर से कैश ऐसी बढ़ती थी, 5 लाख रुपए से लाइबिलिटी, फर्स्ट पार्ट लाइबिलिटी शेयर्स, बराबर कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ रिया? पांच लाख रुपए आए थे नवीन, लेकिन 50-50 1 लाख रुपए दोनों कंपनियों को वाटप किए ना, जिससे शेयरहोल्डर माने 50 जय को दिए, 50 सिंधु को दिए, तो बाकी अपने पास नोटा कितनी रह गई? 4 लाख। सब लिख के दे रहा हूं, देखो मैं मेरा काम पूरा ही है भाई, मैं पूरा ही दे रहा तुमको। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम ग्रैब कर रहे कि नहीं, मेरे को क्या मालूम। अब लायबिलिटी में क्या क्या आ रहा? तो जैन कंपनी से लायबिलिटी अपने एक ही लाई थी, वो है करंट लायबिलिटी, लेकिन उन दोनों को शेयर देते थे न्यू लायबिलिटी जनरेट हो गई। उनको शेयर देते थे न्यू लायबिलिटी जनरेट हो गई ना, सही कि नहीं बता? अरे सिंपल है कशिश, जय कंपनी को 7.5 लाख के शेयर दिए, तो दिए कि नहीं दिए? 7.5-7 लाख के शेयर दिए ना, तो 7.5 लाख के शेयर दिए होंगे तो उतना शेयर कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा ना, बराबर है? और हिंद कंपनी को 2 लाख के शेयर दिए, तो 2 लाख का शेयर कैपिटल बढ़ गया नया वाला, और प्लस 5 लाख के सिलक पब्लिक को शेयर बांटे। पैसे नहीं थी तो न्यू कंपनी चले कैसे? लिक्विड एसिड नहीं थी ना कि जनरेट की। मैंने आपको एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों करवाया था पूछो? सब कुछ है क्या इसमें? सब कुछ। ये क्वेश्चन तुम मेरा बार बार फास्ट मोड पे देखते रहो, तुम्हारा पूरा वैरायटी कवर होता है, पूरा वैरायटी, ऑलमोस्ट पूरी वैरायटी कवर होती है एक क्वेश्चन में। सोचो एक क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट अमल कमीशन का पूरा वैरायटी। सिर्फ एसेट्स में वेरिएशन मिलेगा, क्या मिलेगा? वो एक दो एसेट आएंगी जो नहीं लेने वाली होंगी, बस वो वेरिएशन आएगा। वो एक बार पढ़ गया ना कौन कौन सी एसेट लेना है, एक लिस्ट दूंगा मैं आपको, कौन कौन सी एसेट परचेस उठा था, कौन कौन सी लायबिलिटी परचेस उठा था, कौन सी लायबिलिटी परचेस नहीं उठाएगा, इन्हें फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी है, इसकी लिस्ट मैं आपको एक भेजूंगा, वो सिर्फ पढ़ के जाना बस। बाकी तो ये एग्जाम्पल पूरा तुम्हारा क्लियर करता, क्लियर, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाया, समझा बेटा? हाँ। अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी नीचे लिखता हूँ, नीचे तुम्हारे लिए। अब करंट लायबिलिटी कितनी हुई बताओ? अब जय कंपनी से करंट लायबिलिटी कितनी आ रही? 2 लाख। और हिंद कंपनी से परचेसर सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी लेता है, अगर लेता है तो भी कितना? 1 लाख। कितना आएगा फिर? हो गया पक्का डन? हाँ। अब यहां पे शेयर कैपिटल बाकी बनेगा। देखो अभी सुनो, अब कितने का शेयर लोगो? अब यहां पे देखो, पहले बताओ जय कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर दिए गए? 75,000। बेटा यहाँ टोटल शेयर लिखने पड़ेंगे ना शेयर कैपिटल बनाने के लिए। 75,000 शेयर्स जय कंपनी को दिए गए। सौरभ समझ में आ रहा है पूरा 100%? हाँ। और कौन से कंपनी के शेयर दिए? देखो 20,000 शेयर किसको दिए गए? हिंद कंपनी को दिए गए, 95 हो गए, और 50,000 शेयर और निकाले गए पब्लिक को। ये क्या कैश क्या बाकी है अपने यार, टपका क्या? अरे एसेट बढ़ाई तो उतनी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। टोटल शेयर कितने इशू हुए? 1 लाख। तो 1,45,000 शेयर इशू हुए 10 रुपए के भाव से,
तो 14,50,000 रुपए ये आ गया नया शेयर कैपिटल। टैली हुआ क्या? नहीं हो रहा? होना ही चाहिए भैया, अभी तो अब तो होना ही है। देखो बैलेंस शीट टैली हुई क्या? कितने से हुई? 17,50,000। ठीक है चलो, न्यू बैलेंस शीट बन गई, अभी चलाओ। हमने अच्छे अकाउंटेंट बन के कंपनी का बैलेंस शीट बना के दे दिया, इतने में इतने मिलता। 17,00,000 है? 17 कर दो, 17,50,000 से भैया बैलेंस शीट टैली हो रही अपनी, हो गई अमल गमेट। इजी है? इजी कि नहीं? अब नीचे वर्किंग लिखो बेटा। देखो आज तुमको समझ रहा, लेकिन कल को तुम नहीं सेल्फ करोगे तो कहाँ से आंकड़े आ रहे? तो उसके लिए तुमको दे रहा हूँ मैं, तुम्हारे आज के लिए, कल कल को बेहतर करने के लिए आज को आपका टाइम वेस्ट कर रहा मैं। चलो अब सबसे पहले देखो गुडविल कहाँ से आई, गुडविल कहाँ से आई? तो वर्किंग नंबर वन गुडविल फ्रॉम जय कंपनी रुपीज 1,00,000 लेस कैपिटल रिजर्व या कैपिटल गेन फ्रॉम कहां से? हिंद कंपनी। कितना? 30। तो नेट गुडविल कितनी आई? 70। तो ये आ गई नेट गुडविल, ये अपन ने न्यू बैलेंस शीट में लाई। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए वो लिखा रहा हूं यहां पे, वर्किंग फॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय परचेसर कंपनी। परचेसर कंपनी लिखते न्यू कंपनी ना, न्यू कंपनी क्या लिखोगे? क्योंकि यहाँ परचेसर कंपनी नहीं बोलते, वैसे न्यू कंपनी बोलते हैं। हाँ अब यहाँ पे देखो, देखो 75,000 शेयर्स इशूड टू जय कंपनी, कितने? 75,000 शेयर्स बराबर है, प्लस शेयर्स इशूड टू हिंद कंपनी कितना किया? हाँ 30,000 शेयर्स, 20 तो 20 और शेयर्स इशू टू पब्लिक, जनरल पब्लिक कितना? टोटल शेयर इशू कितने? 1,00,000 आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन नए एग्जाम के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।